मैंने आपको कहा है ना कि चैप्टर एक दफा क्लोज हो चुका, तो आप बार बार क्यों याद दिलाती हैं? आपको बता रही हूँ रहीला आंटी, आपके ये अरमान कभी भी पूरे नहीं होंगे। एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी जान, कि अरमान मेरे सारे पूरे हो जाते हैं जैसे तैसे। आसिब किसी बदरू का साया है क्या? हाँ, जब कल रात हम घर पहुंचे तो खिड़की के शीशे पर खून से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मौत का लफ्ज लिखा हुआ था। चल रहा था मतलब? अब नहीं चल रहा? ऐसे बंटन के ऑफिस जाया करती थी जैसे शुरू से बिजनेस वुमेन हूँ। कमर में सरिया आ गया, ऐसे अकड़ के चलती थी। पता है हम घर भी जाते थे ना तो उनके पास टाइम नहीं होता था हमारे पास बैठने का, हमसे बातें करने का। फहमी ये वक्त ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बस तुम यूं समझ लो कि भाभी का पुराना वक्त वापस आने वाला है। कारोबार चलाना नहीं आ रहा है उन्हें, नुकसान कर रही है। जब खाबर से पूछा जाएगा तो वो क्या कहेगा बताए? हबीब साहब को बुला कर लाएं, जब तक वो पुराने क्लाइंट्स नहीं लाएंगे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनाई ना तुमने मुझे खुशखबरी, दिल खुश हो गया मेरा ये बात सुन के। अभी तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। अब हम देखेंगे कि भाभी कैसे अकेले बिजनेस पे कब्जा करती है। हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे बिजनेस में से। नहीं नहीं, अब हम सिर्फ हिस्सा नहीं लेंगे, हम पूरा का पूरा कारोबार लेंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि वो साइका आपा की पुरानी दोस्त है ना फोजिया, उसके बेटे शारिक से ना अपनी इमन का रिश्ता तय कर दूँ। हमारी इमन है भी इतनी प्यारी, वो तो फौरन ही मान जाएगी। मैंने दावत में बुलाया उसे घर पे। आप पैसों का बंदोबस्त तो आप करा ही देंगे? मैं बुला लो, देख लो, अगर अच्छी अच्छी फैमिली है तो कर दो शादी। हाँ मैं भी बस यही चाहती हूँ, फैमिली तो बहुत अच्छी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे मुमकिन है? मुझे आप मुझे समझाइए कि हमने सारे अपने टारगेट जो है ना पूरे किए हैं, तो खसारा तो नहीं हो सकता ना? हमें प्रॉफिट होना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ है, खसारा हुआ है, कैसे मुमकिन है ये समझाइए मुझे। मैडम सारे पुराने लोग जहीद साहब पे ट्रस्ट करते थे, उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने सारे ऑर्डर्स कहीं और दे दिए, और जिसकी वजह से मैडम हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जो ऑर्डर मैडम हमें मिले भी वो इतनी कम क्वान्टिटी में था कि हमें उससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिल सका। तो आखिर तुम्हारी क्या राय है, हमें क्या करना चाहिए? कि हमें नए क्लाइंट्स के पीछे भागना चाहिए लाने के लिए उनको, या फिर हमें पुराने क्लाइंट्स को दोबारा मीटिंग करनी चाहिए ताकि वो अपना ऑर्डर हमें दोबारा दे? क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं समझ आता हूँ इन सारी चीज़ों से, आप ही देखें जो समझ आ रहा है सही कर लेना। देखें मैडम, पुराने नुकसान को पूरा करने के लिए इस साल हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, हमने जो लगाया है वो हमें वापस मिल गया है। बिजनेस में मैडम अब तो कोई प्रॉफिट नहीं है। फाखिर आप ज़रा फ़ोन यहाँ रख दीजिए और ज़रा काम पे ध्यान दें। आप सुन रहे हैं? सॉरी आप क्या कह रहे थे? मैडम पूरे साल हम 10 से 12 ऑर्डर्स पे काम करते हैं, अगर हम 20 से 25 ऑर्डर पे काम करें तो जो हमारा नुकसान हुआ है हम उसको पूरा कर सकते हैं और हम अपना टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप मुझे इस मसले का हल बताइए। और इसका हल यही है मैडम कि हबीब साहब को इस मामले में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो पुराने क्लाइंट्स को जानते भी हैं, उनकी हाई हो भी है उनसे, और मैं समझता हूँ कि वो इस काम के बारे में अच्छा समझते भी हैं। बाकी मैडम आप बेहतर समझती हैं जो आप कर सकें। अरे फौजिया तुमने तो कुछ लिया ही नहीं और खाना भी ठीक से नहीं खाया। अरे सच तो यह है, शुगर और अल्सर ने मुझे अच्छे खानों से दूर ही कर दिया है।
इसलिए मैंने तुम्हारी निहारी और खीर नहीं खाई। मैं तो समझती थी कि तुमने पुराने दोस्तों को इनवाइट किया होगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने परहेज का नहीं बताया। सब तो मेरी तरह उबला और फीका खाना नहीं खाएंगे ना। अरे नहीं नहीं, ये दावत तो मैंने खास तुम्हारे लिए रखी थी। मैंने सोचा था हम दोनों आराम से बैठ के बातें करेंगे, और वैसे अच्छी बात है, इंसान को चटपटे खाना और मीठे से परहेज ही करना चाहिए। अच्छा ये बताओ शारिक क्या कर रहा है आजकल? मत पूछो शारिक का, शिकार का शौक है, पिकनिक का शौक हैवी बाइक लेकर हाइकिंग पर जीक का शौक है। अरे तो उसे जरूरत भी क्या काम करने की, जहादाद भाई की इतनी सारी जमीनें हैं, जायदाद है, उसी की तो है। हाँ शारिक भी बिल्कुल जहादाद पर ही गया है, बिल्कुल निकम्मा और ऐश पसंद। अच्छा तुम बताओ संचार भाई और एमन कहाँ है? एमन तो पढ़ने के लिए गई है, उसे पढ़ाई का बहुत शौक है, और सज्जाद तो ऑफिस में है। मैंने कहा था हम दोनों आराम से अपनी पुरानी बातें याद करेंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें लंच पे बुलाया, डिनर पे नहीं, वो दोनों वरना बोर हो जाते ना। अच्छा अब बातें बहुत हो गई, बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बैठो ना थोड़ी देर और, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अपने दिल की बात। हाँ हाँ कहो। वो मैं चाह रही थी कि मेरी जो एमन है ना, वो मैं तुम्हें देना चाह रही थी शारिक के लिए। क्या क्या कह रहे हो फैमी? एमन बहुत छोटी है, वो अभी 15-16 साल की हुई होगी, शारिक पूरा 27 साल का हो गया। तुम्हें सूझी कैसे ऐसे बेजोड़ शादी की? अरे तो इसमें हर्ज ही क्या है, जब मैं राजी हूँ तो। हर्ज है सैमी, तुम्हें पता होगा कि हमारे ग्रुप में सबसे पहले मेरी शादी हुई थी, और मैंने ऐसी बेजोड़ शादी अच्छी तरह भुगत ली है। अब मैं किसी कम उम्र बच्चे पे ये जुल्म करूंगी नहीं, सॉरी। फौजिया जो तुम्हारे साथ हुआ वो जरूरी तो नहीं है ना कि सबके साथ वही हो। आई एम सॉरी सैमी, हम इतने अरसे बाद मिले और मैं तुम्हें रिफ्यूज कर रही हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती, सॉरी। एक मशवरा दूं तुम्हें, एमन की शादी शारिक से नहीं, किसी से भी नहीं करना भी, वो बहुत छोटी है। ये मेरा तुमसे मुखलिसाना मशवरा है, एक पुरानी दोस्त का मशवरा, आगे तुम्हारी मर्जी। बड़ी मशवरा देने वाली, रिश्ता तो दिया नहीं, मशवरा देके चली गई, मेरा लंच भी जाया करा दिया। घर वापस आने का ख्याल आ गया आपको? कोई पिकनिक मनाने नहीं गया हुआ था, ऑफिस में काम कर रहा था। आराम से बात करो फाकर, सामने हाथ छोड़ती हूँ, आराम से बात करूँ। अभी अभी सुनिए, वो 100 कॉल्स की मैंने तुम्हें, इतने सारे वॉइस मैसेजेस किए, लेकिन नहीं फाखर साहब तो इतने बिजी थे कि एक मैसेज का भी जवाब नहीं दे सकते थे। आफत नहीं आ गई है, हजारों कॉल तो मुझे वैसे भी करती हूँ जब मैं ऑफिस में होता हूँ, उनमें से अगर एक कॉल किसी मसले की वजह से आ गई तो क्या मुझ पर वही नाजिल होगी? क्या समझूं मैं उस कॉल के बारे में? हाँ क्या वो तुम्हारी आदत है या वो कोई मजबूरी? ऐसी कोई बात नहीं, हमारी हम दोनों की जो बेटी है ना अनाया, बुखार में तड़प रही थी वो फाखर, और तुम यहाँ नहीं थे, ना ही तुम्हारे पास वक्त था कि तुम मेरे मैसेजेस को जवाब दो। तो फिर एंड में मैं और मेरी माँ इसको रिक्शा में बैठ के डॉक्टर के पास लेके गए ताकि हम इसकी दवा लेकर आ सके, और तुम्हें पता है ये जिम्मेदारी किसकी थी फाखर? ये जिम्मेदारी ना तुम्हारी थी, ये फर्ज तुम्हारा था, इस बात को समझो। तो क्या करूँ मैं अगर तुम लोगों ने एक दफा काम कर दिया उसका, अम्मा मुझे नहीं कॉल उठाने देती, समझो इस चीज को, वो समझती मैं किसी दोस्त की दोस्त से बात करूं या कोई बिला वजह गपशप लगा रहूं। फालतू के एक्सक्यूजेस ना मुझे ना दो, तुम बड़ी अम्मी को क्या नहीं कह सकते कि एनी कॉल आई है बस 2 मिनट रुक जाए? हां इन्हीं एक्सक्यूजेस है, और समझो उस चीज को, मेरी जगह बैठ के देखो तुम ऑफिस में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हो, देखो समझो उस चीज को, एक चीख भी आ जाती है ना वो तो मुझे कॉल करके बता रही हो तो यार। फाखर मैं कोई पागल नहीं हूँ कि वो जोर से चीख मारेंगे और मैं तुम्हें कॉल करना शुरू हो जाऊंगी, आज मैं आप ही बहुत इंपॉर्टेंट दिन था,
टेस्ट था मेरा, आज बहुत बड़ा टेस्ट था जिसकी मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की थी और बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसके बाद तो फाइनल में इंक्लूड होने थे और मैंने वो मिस कर दिया। मैं क्या करूँ फिर, मुझे जरा बताओ। मैं तुम्हें बस इस चीज का एहसास दिलाने की कुछ बात कर रही हूँ, मैं तुमसे बस इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक मैं हूँ जो सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे। तुम है कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा उस रिलेशनशिप की वजह से यार, मैं भी फंस रहा हूँ उसमें। फिर दोस्तों के पास बाहर जाता हूँ ना, पता किस नाम से जाना चाहता हूँ, कपड़ों वाला सेठ। ये बोलते फिरते मुझे आपस में बैठ के, पता वो लोग सारी क्या बातें कर रहे होते हैं, पढ़ाई की, करियर की, एजुकेशन की सारी बातें कर रही थी। मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, होलसेल की रेट्स की बातें, मार्केट की, व्यू की यार। तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कॉलेज में बताना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ मैं, और पढ़ाई को साथ लेके चलना और घर के कामों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है पाकर। तुम्हारे लिए खुद क्रिएट की हुई प्रॉब्लम सही है, छोड़ देती पढ़ाई, किसने बोला था कंटिन्यू करो। पढ़ाई छोड़ देती, आज तुम कह रहे हो पढ़ाई छोड़ देती, कल तुम कहोगे सांस लेना छोड़ देती। सारी बातें मानूंगा तुम्हारी, आखिर ये बात तुम्हें भी पता कि पढ़ाई मेरा ख्वाब, तालीम हासिल करना मेरी खुशी है, मेरे ख्वाब ना मुझसे छीनो मत। तो अपने ख्वाबों की ना कीमत चुका, क्योंकि मैं भी चुका रहा हूँ। जाओ। वाफिर, वाफिर क्या है ये? वो आमना वही लड़की है ना जिसे तुम पसंद करते थे? आज दिन में ऑफिस पे तुम्हारे फोन पर उसकी कॉल्स आ रही थी। उसकी कॉल आ रही थी? पता नहीं भाई, वैसे पाकिस्तान में नहीं है, पता नहीं क्यों कॉल कर रही होगी। पाकिस्तान से शायद जा चुकी है, पता नहीं तुम्हारी जिंदगी से गई भी है कि नहीं, शायद वापस आ गई, शायद से रब्ता करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं भैया, अब बात करूंगा तो पता लगेगा। जो जिंदगी के बाब बंद कर दिए जाते हैं उन्हें दोबारा खोल लेना चाहिए, कहते हैं जिंदगी और उलझ जाती है। उसे बात करने से पहले ये जरूर जहन में रखना कि तुम्हारी एक बीवी है, एक बेटी है। अम्मा कुछ चाहिए आपको? हाँ नहीं कुछ नहीं, अयंस हो गया आराम से जी। अम्मा बहुत मुश्किल से सुलाया है उसको मैंने अभी। वैसे आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं आलिया, तुम्हें घर का काम करते और बच्चे को संभालता देख के एनी के बारे में सोचने लगी। उसकी अभी खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र थी, पर जुल्म किया है उसके ताया और बाप ने मिलकर। बच्ची बेचारी फीडर बनाती है, चूल्हे चक्की करती रहती है, ये कोई तुक था करने का? जुल्म हुआ है मेरी बच्ची पर। लेकिन अम्मा सर पे जब पड़ती है ना तो सारे काम हो ही जाते हैं। हाँ लिया, ये क्या बात की तुमने? तुम उससे उम्र में बड़ी हो, मैं तुम्हें देखती हूँ तुम झिझला जाती हो कि बच्चा संभालूं, घर को देखूं, अपने आप को देखूं। वो तो अभी छोटी है, उसे नहीं संभल रहा ये सब, उसकी तालीम पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन अम्मा मैंने तो सुना है कि पहले ज़माने में इसी उम्र में शादियाँ हो जाती थी। हाँ हाँ होती थी, मगर वो ज़माना और था, अब कुछ और वक्त चल रहा है, अब थोड़ी वो बातें चलती हैं। पहले बच्चियाँ पढ़ती लिखती नहीं थी, घर के कामकाज करती रहती थी, मैके से उठाया ससुराल भेज दिया, उन्हें खबर भी नहीं होती थी। 13-14 के होते ही उन्हें खूंटे से बांध देते थे। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है, लड़कियों को पढ़ना लिखना है। कल कलांकों को ऊंच नीच हो गई, नरम गर्म हो गया जिंदगी में, तो शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है ना।
लेकिन अम्मा जहाँ तक मुझे लगता है एनी ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख लिया है। नहीं सीख रही वो कुछ, देखा है मैंने उसका हाल, फेल हो जाएगी देखना तो। अरे तो पढ़ाई छोड़ देना, अब वैसे भी उसकी शादी हो गई है, उसने क्या करना है, जॉब थोड़ी करनी है। आलिया तुम तो ये बात मत कहो, है क्या पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए की जाती है? मुझसे पूछो जो मुझ पे बीती है, मेरी तालीम भी नहीं हुई। जमशेद के अब्बा जब गुजर गए तो बहुत बुरा वक्त देखा मैंने, कोई नौकरी मुझे नहीं मिलती थी। बैंक के कागजात लेने गए तो सारे पैसे पता नहीं लोगों ने ले लिए, मैंने हर जगह ऐसे दस्तखत कर दिए। इनका एक प्लॉट था, वो मेरे देवर ने अपने नाम करवा लिया जाली दस्तावेज दिखा दिखा कर मुझे, जहाँ उन्होंने कहा मैंने वहाँ दस्तखत कर दिए। आलिया मैं पढ़ी लिखी होती तो ऐसा होता, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पर, पहले मैं आयशा की बात नहीं मानती थी, मैं तो खुद इस शादी की तरफदारी कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मुझे बात समझ में आती है आयशा की। दोस्त के हाल पर रहम करे। अरे हाँ, उस दावत का क्या हुआ जो तुम करने वाली थी अपने बहन और बहनोई की इस घर में? जी वो जमशेद ने मना कर दिया, केस घर में तो नहीं आ सकती वो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको होटल में बुला लूंगी, वहां कर दूंगी उनकी दावत, मसला नहीं है। होटल में ले आकर खिलाओगी हैं? देख लो ये भी होता है कि नहीं। नींद आ रही थी ना आपको, सो जाए आप, ठीक बाय। जरा लाइट बंद करते जाओ। एनी मुसलसल तीसरी बार है जो तुमने टेस्ट मिस किया। I'm sorry मैम, मैंने आपको बताया भी था कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बेबी है, लेकिन बेटा यहाँ के भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, फिर क्या करो, फिर कितनी फेवर दे तो। देखो इन टेस्ट के मार्क्स फाइनल सेमेस्टर में इंक्लूड होंगे और तुमने सारे टेस्ट मिस कर दिए, मेरी जान इंजीनियरिंग बगैर प्रैक्टिकल्स के नहीं पढ़ी जा सकती, और तुमने प्रैक्टिकल के सारे सेशन मिस कर दिए, मैं भी क्या कर सकती हूँ। आई थिंक तुम्हें घर वालों से बात करनी चाहिए, फुस फैसला लेना चाहिए। बेटा मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं, तुम जा सकते हो, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। हेलो। हेलो, हाँ खावर, मेरा काम कर दिया तुमने? सर मैंने ऐसा मंजर खींचा है कि जैसे बिजली डूबने वाला हो। सिर्फ आप ही हैं जो इस डूबती हुई कश्ती को बचा सकते हैं। मैडम तो बहुत बुरी तरह डर गई है सर, वो खुद ही आपको बुलाकर कहेंगे कि आपने पुराने क्लाइंट्स लेकर आ जाए, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक ठीक, शाबाश खावर, ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा तुम्हारा, तरक्की मिलती रहेगी तुम्हें, समझे? ठीक है मैं रखता हूँ अभी, फिर बाद में बात करूँगा। ओके सर, ओके ओके। हम भाभी की मजबूरी मेरी ताकत बनेगी। तैने कुछ नहीं किया, कोई फेवर नहीं देखा है, मैंने इस तरह मेरे दिमाग में नहीं घुसा। ठीक है, ये क्या है? मेरा थोड़ी है, मुझे क्या पता क्या है, ये कहाँ से आया? या सेब का नाटक तो जो इस घर में रचा रही हो, अभी बता, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये आप साथ लेकर आई होंगी, अभी बताते। आयशा, समीना भाभी, आयशा, समीना भाभी, इस तरह शोर मत मचाएं घर में, क्या हुआ है? ये पता नहीं क्या अपने साथ लेकर आ गई और मुझ पे इल्जाम लगा रही है एक बात का, मेरा नहीं है ये। आखिर प्रिंसिपल ने ना आज मुझे वार्निंग दिया।
चली थी कि अगर आप छुट्टी हुई तो वो मेरा नाम काट देंगी। जब मुझे एक ऐसी रात मिल सकती है फाखर जहाँ मैं सो पाऊँ बस थोड़ी देर। कहा था मैंने कॉलेज छोड़ दो। कल बहुत बड़ा टेस्ट है मेरा, अगर वो मिस कर दिया ना तो पक्का कॉलेज से नाम कट जाएगा। बस थोड़ी देर चाहिए मुझे फाखर जिसमें मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं, क्योंकि नहीं होती मेरी नींद पूरी ना आया की वजह से। मुझे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या? ज्यादा दिन थकी भी होती हूँ मैं, तीन रातों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। उसके एक रात फाखर मुझे ऐसी मिल सकती है जहाँ तुम तो नाया को देख लो और मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, ताकि कल कॉलेज जाते हुए एटलीस्ट मैं कलैप्स ना करूँ। ठीक है, देख लूँगा मैं उससे। 3 बजे तक तो वैसे जाग ही रहा होता हूँ तो उतना बड़ा मसला है नहीं। तुम बहरहाल अपने पास अलार्म लगा लो 3 बजे तक का, उठ जाना फिर तुम देख लेना उसको, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। थैंक यू फाखर। एक काम करो, मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम सो जाना। सही, अभी मैं आ रहा हूँ फौरन, फिर आता हूँ, फिर आ जा, थोड़ी देर देता हूँ। क्या है? ओह हेलो सर। गुड। हाय फाखर, कैसे हो? ठीक। कब आई? बस 3 दिन पहले आई हूँ, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, तुमने पिक नहीं किया। सॉरी यार, वो जाहिर ऑफिस में था, मीटिंग थी तो इसलिए निकल नहीं पाया, उससे कॉल भी इसलिए अटेंड नहीं की, सॉरी। हाँ मैं तो भूल ही गई, ये तो भाई सेठ बन गए हैं कोई बड़े कपड़ों के बिजनेस के। तुमने भी मजाक उड़ाना सबकी तरह, तो ठीक है यार। अब नहीं फाखर, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, वो तो सारे दोस्त बैठे हुए हैं तो मैंने सोचा कुछ हंसी मजाक कर लिया जाए। बट देखो ना, सब कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई बिजनेस पढ़ रहा है, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई यहीं पे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इजंट दैट ग्रेट? अब देखो, तुम अपनी बीवी में बिजी हो गए हो, अपनी बच्ची में बिजी हो गए हो, इस बिजनेस में बिजी हो गए हो। आई डोंट थिंक यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस। आई थिंक यू डिजर्व सो मच बेटर। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, सिचुएशन ऐसी है यार। खैर और अहमद तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं बीबीए कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर, और एमबीए के लिए लंदन जाने का प्लान है। ओह नाइस। और यासिर तुम? पापा की एडवर्टाइजिंग एजेंसी संभालनी है, सॉफ्टवेयर डेटा स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन जाऊंगा। ओह दैट्स ग्रेट। मैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ करना चाहती हूँ, यू नो मुझे तो हमेशा से डेकोर का शौक था। हाँ दैट्स गुड। और फाखिर तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है?
सो ये तो पढ़ाई छोड़कर अपने अब्बा का कपड़ों का कारोबार संभाल। For God's sake, फाकर, मुझे पता है कि जब तुम्हारे अब्बा की डेथ हुई थी तो मैं ये बिजनेस संभालना पड़ा था, बट आप अपनी स्टडीज को ऐसे ब्रेक ना दो, कंटिन्यू करो। ऑफिस के कामों में इतना बिजी रहता हूँ यार, वहाँ के 10 चीज़ें होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो मेरे लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। Lame excuses, honestly. सब लोग अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं, कोई काम भी कर रहा होता है तो काम के साथ मैनेज करता है, तुम भी कर सकते हो, तुम्हारा तो अपना खुद का बिजनेस है। मगर फिर भी यार, ये तो पढ़ाई के मामले में शुरू से ही डपर था, तो इसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी यानी की वजह से। अरे तो स्टडी से भागने के बहाने ढूंढता है, अंकल जिंदा थे उस वक्त से और अब तो इसको मौका मिल गया है, तुम क्या इसको स्टडीज की अहमियत समझा रही हो? स्टडीज इंसान की लाइफ चेंज कर देती हैं। फाखिर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने बिजनेस और फैमिली की वजह से दोस्तों में स्टडीज में सबसे पीछे रह गए हो हम सबसे? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। फाखिर नहीं, यू गाइस कह रही हूँ, मैं जरा एक कॉल करके आता हूँ। थैंक यू, कंटिन्यू करो। फोन ही बंद करती हो? क्या हो गया? कौन बता रहे थे पगलों की तरह? कहाँ है हमारी ज्वेलरी? कहाँ है हमारी ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी? जो तुमने चुराई है हमारे कमरे से, कहाँ है बताओ? मैं कभी आपके कमरे में नहीं आई, हर चीज का इंतजाम मेरे सर क्यों लग जाता है? हम अच्छे से जानते तुम इस घर को और इस घर की हर कीमती चीज को हड़पना चाहती हो। किस किस्म की क्या कर रही है? इनके सामान में क्यों घुस रही है आप? ये कोई तरीका नहीं है, मैं हबीब को बताऊंगी। जाओ बताओ। हम हबीब को बताएंगे? यहाँ कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी अम्मा का सेवर खा गई, फिर हमारा खाने जाती हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, कोई जेवर नहीं देखा है, मैंने इस तरह मेरे सामान में नहीं घुसा। ये क्या है? मेरा थोड़ी है, मुझे क्या पता क्या है? ये कहाँ से आया? ये सेब का नाटक तो जो इस घर में रचा रही हो? अभी बता, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये आप साथ लेकर आई होंगी। अभी बताते। आयशा, समीना भाभी, आयशा, समीना भाभी, इस तरह शोर मत मचाएं घर में। क्या हुआ है? ये पता नहीं क्या अपने साथ लेकर आ गई और मुझ पर इल्जाम लगा रही है एक बात का, मेरा नहीं है ये। कि तुम जादू कर रही हो हम सब? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हबीब को बताऊंगी, अभी साथ लेकर आई थी। अरे तुम क्या बताओगी हबीब को? हम बताएंगे, तुम्हारी करतूत है ये, तुम क्या कर रही हो घर के अंदर? नहीं है, मेरा नहीं है ये। ऐसा इधर से निकले, ये जादू टोने का ही हम सबको डराने के लिए घर से निकालना चाहती है। चलो चलो सबको बताए, चलो। कहाँ थे तुम? क्या हुआ? आज सारे पुराने दोस्त इकट्ठा हुए थे मेरे, फिर कोई लॉ पढ़ने बाहर जा रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहा है, या कोई मुल्क की बेस्ट यूनिवर्सिटी से MBA करने का सोच रहा है, एक मैं
वो आया था वहाँ पे जिसके पास ना कोई डिग्री थी ना कोई एम्बिशंस या गोल्स। मैं भी तुमसे ये बात करने वाली थी। आखिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए। सब हंस रहे थे मुझ पे, मजाक उड़ा रहे थे, कहके लगा रहे थे। तुम्हारे दोस्त तो वैसे भी लूजर थे, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। ऑफिस पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाएगी, मुझे समझ नहीं आएगा कैसे करूं। तो मैं अभी तो घर के काम नाया को संभालती हूँ और कॉलेज की पढ़ाई भी करती हूँ साथ साथ। वैसे भी तुम भी कर ही लोगे। तुम्हारे साथ आयशा चाची का सपोर्ट है नहीं। तुम जितनी देर कॉलेज में होती हो घर पे नाया को देख रही होती हैं, मसला नहीं होता इतना। लेकिन मेरी अम्मी रोज़ मेरे साथ ऑफिस जाती हैं, तुम्हें पता है वो उस मामले में कितनी स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई के लिए वो मुझे जरा सा भी रिलीफ नहीं देंगी। मुझे लगता है कि बड़ी अम्मी तुम्हारी पढ़ाई की ख्वाहिश सुन के खुश होंगी। ऑफिस के मामला देख के अम्मा वैसे इतना परेशान हो जाती हैं, उनको मेरी प्रेजेंस सही होगी ऑफिस में, हो ही नहीं सकता। जैसे तुमने मेरे लिए पढ़ाई का स्टैंड लिया था ना, मैं भी तुम्हारे लिए वैसे ही स्टैंड लूंगी। तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बात करती हूँ मैं बड़ी अम्मी से, जरूर मान जाएंगे वो। तुम कर लूंगी बात उनसे है? कर लूंगी। बस सोई क्यों नहीं अभी तक? शाम में सो गई थी, नींद नहीं आ रही थी। लाइट बंद कर दो, उसको भी सुला दो यार, मुझे भी सुबह जाना है। आज बाबा को पसंद नहीं है जब हम जाग रहे होते हैं। ढाका आराम से चुप हो जाओ, बताओ तो सही क्या हुआ है। समीना भाभी, ये जो औरत है ना, ये हमें अपने माँ बाप के घर से निकालना चाहती है। इसने आज से एक नाटक रचाया हुआ इस घर में ताकि हम डर के भाग जाएं यहाँ से। आओ आओ सुनो सुन लो, तुम भी अपनी बेगम की करतूत, तुम्हारी बहन को इस घर से निकालना चाहती है। ये देखो सब इसके कमरे से मिली है ये गुड़िया। ये हम सबको डरा के इस घर से निकालना चाहती है ताकि यकीनी राज करे। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी ये हमारे जहीर भाई का घर है, हम उन्हें नहीं देंगे। ये झूठ बोल रही है बेबी, ये कोई झूठ है? ये क्या है? ये मुझे ये पता नहीं क्या है, ये तो खुद मेरे कमरे में घुस जाती है, कभी अपना जेवर ढूंढने, कभी कुछ ढूंढने रखती होगी। सब तो नफरत करते हैं मुझसे, यहाँ निकालना चाहते हैं मुझे इस घर से, मुझे क्या पता अभी। तुम्हारा कमरा नहीं है, हमारे भाई का कमरा है। अरे तुम्हें तो इस घर में मजबूरी में रखा हुआ है, इस घर का फर्ज थोड़ी मानते। ना तुम कभी इस घर की थी और ना कभी बन सकोगी। देख लिया अभी घर का फर्ज तो समझते ही नहीं है। मैंने कभी ये गुड़िया नहीं देखी, मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अदालत अगर लग ही गई है तो फिर फैसला हो ही जाए। ये क्या तमाशा है हबीब? हबीब से क्या पूछ रही हो? इस बात का कैसे पता चला आपको कि वो ठीक बोल रही है और मैं गलत? तुम्हारा जो पिछला रिकॉर्ड है ना, वो यही बताता है। देखो दुश्मन है आप, कौन इतबार करेगा मेरा? हमारे भाई के सर पे झूठी कसम मत खाओ, अपने सर पे रखो। जादू करनी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी, तमाशा लगा के रखा हुआ है। कभी जेवर चुराने का इल्जाम लगाती हो, कभी आसेब का इल्जाम लगाती हो, बहुत हो गया है, बंद करो तमाशे।
बीवी है मेरी, इज्जत है। मैं अब कोई बकवास इसके खिलाफ नहीं सुनूंगा, समझे तुम? चलो राय। सबसे नापसंदीदा भाभी इस घर की मैं, चोर भी मैं, वकार भी मैं, चुड़ैल भी मैं, आसेब भी मैं ही हूं, कुछ मैं। किसी दिन ऐसा होगा, आएंगे ना घर पे, ये लोग मुझे सारी औरतें मिलके घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे और ढूंढते रहेंगे आप। ऐसा नहीं होगा कभी, नहीं हो सकता ऐसा। हेलो, हाँ सब ठीक है? नहीं नहीं, वो कोई मसले की बात नहीं है। तुम अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तुम अभी, तुमसे मैंने जो कहा है तुम ऐसा ही करो, ठीक है? सही, ओके। ओ राहिला, कल सुबह तुम मेरा काम कर सकती हो। हुआ है? अरे बहुत इम्पोर्टेंट डील है, मैं नहीं चाहता कि भाभी और फाखिर उस डील का हिस्सा बने। उस डील में से जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैं कम करके भाभी को बताऊंगा, ताकि एक बड़ा अमाउंट हमारे पास आ जाए। वो डील मैं लॉक करना चाह रहा हूँ। मसला ये है कि जब तक वो डील लॉक नहीं हो जाती, मैं चाहता हूँ कि भाभी और फाखिर इस घर से ना निकले, ऑफिस ना पहुँच पाए। तुम ये कर सकती हो? वैसे तो मैंने इंतजाम किया हुआ है, मगर मेरे निकलने के बाद अगर वो कोशिश भी करें, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें उन्हें रोक के रखना हो। इतना तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। कल दोनों माँ बेटा ऑफिस तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप कर लीजिएगा अपनी डील लॉक। ठीक, एक काम और कर सकती हूँ मेरे लिए? क्या है? मुस्कुराती रहना, ये चेहरा देख के अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराओगी ना तो मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, डील लॉक हो जाएगी। पापा, पापा कपड़े रख दिए तुम्हारे और नाश्ता भी बना दिए। सही टाइम है, मम्मा से बात कर लो मेरी पढ़ाई के मामले में। हाँ अभी करूंगी, अभी उनका मूड भी अच्छा होता है। रात में जब वो आते हैं ना तो वो थक जाते हैं। वैसे पाकर मुझे लगता है कि वो ना शुरू में थोड़ा बुरा मानेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगी, और अगर वो नहीं मानी ना तो हम उन्हें मना लेंगे। इज्जत करूंगी मैं। अगर तुमने उनको मना लिया तो तुम जो बोलोगी मैं कर दूंगा, आई प्रॉमिस। देखना ऐसा ही होगा। और फाखिर, मुझे लगता है कि वो तुम्हें ना पढ़ते हुए देखते हुए बहुत खुश होंगे। और एक बात कहूँ, अभी तुम बिजनेस में डिग्री हासिल कर लेते हो ना, तुम्हारा कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा। ये सारे आर्गुमेंट जो है वो तुमने अम्मा से बात करने के लिए तैयार किए? स्पीच तैयार की है मैंने पूरी। वो बड़ी फास्ट चल रही है। थैंक यू। इसको पकड़ो, मैं जाके तैयार हूँ। अच्छा कच्ची कच्ची टहनियों को आधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहर
सहारा छोड़ती है। छोटी उम्रों के ये बंधन रोग बन जाते हैं काहे, क्यों ये किरने रोशनी की काले बादल ओढ़ती है। अब